अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि डेटा कितनी टाइप का होता है और एज ए डेटा एनालिस्ट आपको कितनी टाइप्स के डेटा के साथ पालना पड़ता है। अब ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप समर बूट कैंप के अंदर इनरोल्ड हैं तो आपको पता होगा कि आप डेटा एनालिस्ट बनने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को बड़ी गौर से देखिएगा और नोटबुक पे नोट करते जाइएगा। लेट्स जंप इनटू द स्क्रीन। स्क्रीन में आपके सामने शेयर करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास डेटा टाइप्स को आज हम स्टडी करने वाले हैं और डेटा टाइप्स कितनी किस्म की होती है उनको हम देखेंगे। सो मैं अगर यहाँ पे लिखूं डेटा टाइप्स सिंपली, सो डेटा टाइप जो हमारी हैं, मैं इसको थोड़ा सा बारीक कर लेता हूँ। सो सबसे पहले तो जो हमारे पास डेटा टाइप होती है वो होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा किस तरीके से यूज होता है और इसमें कौन कौन से फायदे हैं और कौन कौन से नुकसान हैं और प्राइमरी डेटा कौन सा होता है, सेकेंडरी डेटा कौन सा होता है, इसके बारे में हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं। प्राइमरी डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो कलेक्ट किया जाता है रिसर्चर्स के अपने एक्सपेरिमेंट से, यानी कि रिसर्चर्स कलेक्ट दिस डेटा। रिसर्चर्स, मैं यहाँ से थोड़ा सा अंडू कर लेता हूँ, रिसर्चर्स को कलेक्ट करना पड़ता है ये। सेकेंडरी डेटा ऐसा डेटा होता है जो किसी ने कलेक्ट किया है लेकिन रिसर्चर्स यूज कर रहे हैं, किसी का डेटा, इसको मैं बोल देता हूं डेटा, नॉट डेटा, ठीक हो गया। अब सेकेंडरी डेटा जो है बेसिकली वो आपको डेटाबेसेस के थ्रू मिलता है, यानी कि जो ऑनलाइन डेटाबेसेस है, और प्राइमरी डेटा जो है वो आप कंडक्ट करते हैं या कलेक्ट करते हैं सर्वेस कंडक्ट करने के बाद, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के बाद, या आप फील्ड स्टडीज को ऑब्जर्वेशन के ऑब्जर्व करने के बाद, ऑब्जर्वेशंस के बाद फील्ड स्टडी की, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल होगी, इस तरह का डेटा सेट। सर्वे भी आप कंडक्ट करते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट, और अगर आप सेकेंडरी डेटा पे काम कर रहे हैं तो आप डेटाबेसेस वगैरह को देखते हैं। तो यहाँ पे दो मेजर डिफरेंसेज आपको नजर आ गए। अब प्राइमरी डेटा जो है इसके प्रोज क्या है, ये जो प्राइमरी डेटा होता है इसका मेन जो प्रो है यानी कि इसका फायदा क्या है, वो ये है कि दिस डेटा is actually tailored to specific needs. आप अपनी specific needs की base पे data को collect करते हैं, ठीक है। और जो secondary data होता है ये आपका वो वाला data होता है जो specific needs नहीं बल्कि आप किसी के data को use करते हुए अपनी उसमें से outputs लेते हैं। Say for example, अगर मैं यहाँ पे सेकेंडरी डेटा की बात करूं तो यहाँ पे आपकी अपनी स्पेसिफिक नीड्स तो नहीं इसके अंदर शामिल होती, लेकिन जो डेटा ऑलरेडी कलेक्ट हो गया आप उसकी बेस पे काम करते हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं कि नो स्पेसिफिक नीड्स, ठीक हो गया। अब जो प्राइमरी डेटा है इसके अंदर स्पेसिफिक नीड्स के साथ साथ ये कॉस्टली भी है, ठीक है, और ये होगा चीपर क्योंकि आपको सिर्फ नेट पे जाना है और इसको डाउनलोड कर लेना है, सिंपल दैट इट इज। अब आपके पास एक कॉस्टली है और एक आपके पास चीपर डेटा सेट है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद प्राइमरी डेटा जो है ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है फिर आपके पास ये डेटा सेट आता है। जो सेकेंडरी डेटा है इसमें आपके पास लेस टाइम कंज्यूम करना पड़ता है, आपने सिर्फ नेट पे ब्राउज करना है, लेस टाइम कंज्यूमिंग, एंड देन योर डेटा इज रेडी, ठीक हो गया। तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में आपको मेजर डिफरेंसेस पता चल गए। अब इसका एक मैं स्क्रीनशॉट आपके सामने पेश करता हूँ, विच विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में असल में फर्क क्या है। लेट्स सी, अगर मैं इसको यहाँ पे पेश कर सकूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का जो टेबल है वो यहाँ पे हाजिर है। आप यहाँ पे अगर गौर करें तो प्राइमरी डेटा जो है वो हमारे पास और सेकेंडरी डेटा, डेटा कलेक्टेड बाय डायरेक्टली बाय द रिसर्चर्स फॉर देयर स्टडी, ओरिजिनल एंड सोर्स बेस्ड होता है। डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर अ डिफरेंट पर्पस बट यूज बाय रिसर्चर फॉर देयर स्टडी, तो ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। यहाँ पे सर्विस वगैरह होते हैं प्राइमरी के अंदर, सेकेंडरी में सेंसिस डेटा होता है, साइंटिफिक जर्नल्स का डेटा होता है, ऑर्गेनाइजेशनल रिकॉर्ड्स या यहाँ पे डेटाबेसिस होते हैं, ठीक हो गया। इनका फायदा यह है प्राइमरी का कि यहाँ पे टेलर टू स्पेसिफिक नीड्स होता है, कंट्रोल ओवर डेटा क्वालिटी, आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं डेटा क्वालिटी को। ये लेस कॉस्टली है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये ब्रॉडर स्कोप रखता है, आप डेटा क्वालिटी को खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, बट यू कैन एक्चुअली क्लीन द डेटा लेटर ऑन। आप स्टार्ट में डेटा सैम्पलिंग के ऊपर काम नहीं कर सकते, बट यू कैन एक्चुअली क्लीन द डेटा बाय योरसेल्फ। फिर हमारे पास आता है टाइम कंज्यूमिंग है, प्राइमरी डेटा पोटेंशियली बाइस होता है कलेक्शन के अंदर, अगर कोई बंदा
अपनी कंपनी का ही सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहा है, और वो कह रहा है कि क्योंकि हमारी कंपनी फैसलाबाद में है तो फैसलाबाद की सारी कंपनीज इस तरह का डेटा रखती हैं, तो वो बाइसनेस आ जाती है, जिसको हम एरर भी बोलते हैं। जो सेकेंडरी डेटा होता है मे नॉट अलाइन विद करंट रिसर्च नीड्स, रेलिवेंस एंड टाइमलीनेस इश्यूज। तो ये जो डेटा है ये डिपेंडेंट होते हैं किसी और के ऊपर, इस वजह से इस डेटा की जो खासियत है वो टोटली डिफरेंट होती है। यहां तक आपको समझ आ गई होगी कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। अगर आपको इसकी समझ आ गई है, दैट्स ग्रेट। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको और भी डेटा टाइप्स के बारे में बताएंगे। स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।